Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my name is Muhammad Al-Hajunaid and you are watching podcast with TJ. आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो बहुत ही सेंसिटिव है और मेरे ख्याल से इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है. टॉपिक का जो हमारा नाम है, वो बेसिकली फ़लस्तीन इशू के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देख लें, तो बेसिकली एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है जो कि कई सदियों से चलता आ रहा है. शुरू दौर से अगर हम देखें, ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है. क्योंकि अगर हम बात करें जेरूसलम की, तो बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस दोनों जूश और मुस्लिम्स हमारे लिए भी बहुत है, और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी चलती आ रही है शुरू से. और अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा देखें बैकग्राउंड में, तो इसकी वजह से कई वॉर्स भी हुई हैं, और कई दफ़ा कभी क्रिश्चियंस ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया है, कभी जूश ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया है, और इसी तरह ये मामला चलते आ रहे हैं. लेकिन बेसिक जो हमारा मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, बेसिक आप जैसे कह रहे हैं अनजस्टिस स्टार्ट होता है, वो होता है 1948 में, जब इसराइल, जिसको एज़ अ रिफ्यूजी जगह दी गई थी फ़लस्तीन में, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है, अगर हम देखें किस तरह जो है उन्होंने वायलेशन करना स्टार्ट की, और थोड़ा थोड़ा करते करते विद द सपोर्ट ऑफ़ यूएस, हम बेहतर जानते हैं कि किसकी उसको पीछे सपोर्ट है, उन्होंने किस तरह अपने आप को एक प्रोपेगेंडा के साथ किस तरह पूरे फ़लस्तीन पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया. और जो अगर हम मोस्ट रीसेंट इशू अगर हम देखें जो कि हमें नज़र आता है, वो कुछ दिन पहले शेख जर्रा में, बेसिकली रमज़ान में 6 मई को एक इशू हुआ. अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, तो सीन ये था कि इसराइल के एक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि शेख जर्रा के जो लोग हैं वो जगह छोड़ के चले जाएं, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू द इसराइली, टू द ज्यूइश पीपल. तो उसकी वजह से एक प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता. जब दोनों पार्टीज़ का प्रोटेस्ट एक हाई लेवल एक तक पहुँच गया, थोड़ी उसकी एक संगीन जो है उसने शक्ल इख्तियार कर ली, तो इसराइली फोर्स ने रमज़ान की एक रात में ट्यूरिंग तरावी मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया, जिसके बाद से एक शदीद जो है, जैसे आप कह लें जेनोसाइड की शक्ल वो चीज़ इख्तियार कर गई, और अनजस्टिस किया गया. और ऐसे वक्त में मीडिया ने एक बहुत ही नेगेटिव रोल अदा किया, इंटरनेशनल मीडिया ने स्पेशली, और ये दिखाया गया कि फ़लस्तीन जो है उनको एक टेररिस्ट के फॉर्म में दिखाया गया, और उल्टा जो आपके इसराइल वाले हैं उनको आप कह लें कि एज अ सेल्फ डिफेंडर, जो कि सेल्फ डिफेंस करते हुए दिखाया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था. एक तरफ फ़लस्तीन के लोग हैं जो कि बिल्कुल अनआर्म्ड हैं, दूसरी तरफ इसराइल के लोग हैं जिनके पास एक पूरी फोर्स है, दे आर न्यूक्लियर स्टेट, और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, हर तरह से स्ट्रॉन्ग है. तो इंटरनेशनल मीडिया ने इस तरह दुनिया को वो चीज़ पोर्ट्रे की. दूसरी तरफ अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, तो सोशल मीडिया पे एक बहुत ही एक पॉजिटिव और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा आउटकम आया, पूरी दुनिया में एक आवाज़ उठी, और पूरी दुनिया में जो है फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई गई. लेकिन ऐसे में मीडिया का रोल जो था, आपके सॉरी इनके हेड क्वार्टर्स का अगर हम रोल देखें फेसबुक के, तो ये था कि उन्होंने उन अकाउंट्स को जो इस बारे में बात करते थे, इस बारे में आवाज़ उठाते थे, उनको शैडो बैन या तो कर देते थे, या फिर उन अकाउंट्स को वो जो है टोटली परमानेंटली डिलीट कर देते थे. तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्यों ऐसा किया गया, क्या फेसबुक सोशल मीडिया इसको भी फंड किया जा रहा है, ज्यूइश की तरफ से फ़ंड किया जा रहा है. हम एक बात बड़े मजाक में अक्सर उठा लेते हैं कि जी यहूदी साजिश, हमारे बड़े कहते हैं, तो हम इसको एज अ मीम इस्तेमाल करते हैं यहूदी साजिश को. क्या ये चीज़ वाकई एग्जिस्ट करती है? कभी सोचा इस बारे में? कभी आपने इस बारे में गौर किया? एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरा, हम जज्बातीपन में आके एक बहुत जो है ना, जिसे आप कह लें बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, वो ये होता है कि जी जिहाद कर लें, वहाँ जुल्म हो रहा है, जिहाद कर लें, जिहाद इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. वो क्रिटिसाइज करते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के जो है लीडर्स को क्रिटिसाइज करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं. यार अगर आप देखें, आप मुझे एक खुद ही बताएं, क्या हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि सेल्फ सफिशिएंट हैं हम, कि जब भी अगर इनकेस अगर हम वॉर करते हैं या न्यूक्लियर अटैक करते हैं, तो उसके जो आउटकम्स होंगे हम उनको बेयर कर सकते हैं? ये पुराना दौर नहीं है कि जिहाद की और जीत के.
ये दौर है नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट के दौर में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आप अकेले पड़ जाएंगे, आप जो है अकेले क्या कर लेंगे, आप सेल्फ सफिशिएंट हम नहीं हैं बिल्कुल भी, हम बिल्कुल भी वॉर बेयर नहीं कर सकते। ये तो होगी लॉजिकल बात। अगर हम यहाँ पे जी एक बड़ा एक लोग रीज़न देते हैं कि यार हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह की मदद होगी, हमारा ईमान मजबूत, ये वो, तो यार कंपैरिजन अक्सर लोग करते हैं जी ग़ज़वा बदर से कि जी वहाँ 313 लोग थे और उन्होंने भी जंग जीती, हम तो इतने होके नहीं जंग जीत पाएंगे, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यार वो जो 313 लोग थे उनमें सहाबाए कराम मौजूद थे, ठीक है, उनके अगर ईमान देखे जाए और हमारा ईमान का जो है कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो आपस में ही टूटे हुए, हम तो आपस में ही बंटे हुए, हम तो शिया सुन्नी की लड़ाई से फारिग नहीं हो रहे, हम आपस में ही जो है लड़ लड़ के पागल हो गए और एक दूसरे को काफिर कहने में मसरूफ़ हैं। हम तो ये कहते हैं कि उसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती, हम एक दूसरे को जो है मारने पे हुआ है, तो हमने कहा यार उनको जाके डिफ़ीट करना है। तो ईमान का अगर आप वो देखें कंपैरिजन नहीं बनता, तो ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप क्या कहते हैं जैसे हम फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम बहुत वीक हैं। उन्होंने पूरी दुनिया पर एक जाल बिछाया हुआ है, हर किसी को फंड्स दिए हुए हैं, हर किसी को उन्होंने, उनके पास इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिटिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनकी ग्रिप बहुत मजबूत है, जबकि तादाद में वो बिल्कुल छोटे से हैं। जबकि हम ना हम एजुकेशन को प्रेफर करते हैं, ना हमारे पास जो है वैसी टेक्नोलॉजी है, तो क्या हम उनको डिफ़ीट कर सकते हैं? खुद ही अपने आप से सवाल पूछे, और मेरे ख्याल से इसका जवाब हमारे सामने ही है बिल्कुल। तो सम अप करते हुए टॉपिक को मैं एक बात कहूँगा, देखें हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अपने ईमान के ऊपर फोकस करने की, वर्क ऑन करने की, अपने आप से शुरू करने की, अपने आप से तब्दीली लाने की, अपने आप की जो हमने चीज़ों को तोड़ा हुआ है, लोगों को आपस में तोड़ा हुआ है, हमें अब आपस में जुड़ने की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है सबसे पहली चीज़। दूसरा अपने ईमान के ऊपर वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। तीसरा उनके लेवल पर आके हमें बात करनी पड़ेगी, ये सोल्यूशन है। उनके लेवल पर कैसे आया जाएगा जी? देखें अगर आप में से किसी ने अर्थरुल देखा हो तो अर्थरुल के सीज़न 3 में आप लोगों ने एक चीज़ फोकस की होगी कि उसने तिजारत के ऊपर फोकस किया। पहले दो में उसने जिहाद के ऊपर फोकस किया, तीसरे सीज़न में अगर आप देखें तो उसने तिजारत के ऊपर फोकस किया। अगर आप हिस्ट्री भी अगर आपने पढ़ी हो तो उसने एक टाइम पे आके तिजारत के ऊपर फोकस किया, और उस लेवल पे आके फिर उसने बाकी जो है अनातोलिया को है, फिर आपका बाज़ार जो है हाली बाज़ार, उसके जो है अटैक किया, और एंड ऑल दैट हम देखने को मिलता है किस तरह उसको कामयाबियाँ मिली। तो हमें भी उनके लेवल पे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आना पड़ेगा। उसके लिए हमें एज अ नेशन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर वर्क ऑन करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क ऑन करना पड़ेगा, यूनिटी के ऊपर वर्क ऑन करना पड़ेगा, तब जाके इंशाल्लाह कोई ना कोई हमें एक पॉजिटिव, जिसे आप कह लें, सोल्यूशन मिलेगा, और इस्लाम का बोलबाला होगा, कुफर का मुकाबला होगा इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।